तो गाइस ओपन करने वाली बात है, तो ओपन करने के लिए इसमें ये चीज़ें लगी होती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें लगी हुई हैं, फिर बता दूँ। इसके अंदर जो पंप दिया गया है वो 857 DW+ के अंदर जैसा पंप यूज होता है उस टाइप का पंप इसके अंदर यूज किया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैंने एमके टूल्स की आपको एसएमडी दिखाई थी, इस टाइप की एसएमडी दिखाई थी जिसके अंदर एक ऑटो कट एसएमडी थी और एक के अंदर जो बैटरी में झटका लग जाता है वो एसएमडी थी। तो आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैं उसको फुल डिटेल में आपको दिखाऊं कि एसएमडी के अंदर भी क्या लगा होता है, मैं आपको वो भी चेक कराऊं। तो उसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास यूएसबी ऑटो कट एसएमडी मैं मार्केट से लेकर आया हूं। ये किस प्राइस में मिलने वाली है मैं इस वीडियो के अंदर प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, और प्राइस भी बताने के बाद अंदर किस टाइप से क्या क्या सामान इसके अंदर लगा होता है, किस टाइप की एसएमडी होती है वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा। तो उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन बटन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अनबॉक्स वाली बात है तो इसके ऊपर एक थर्माकोल निकलता है और उसके बाद ये एसएमडी कुछ इस टाइप से ये निकल आती है और इसके अंदर एक नोजल भी निकलती है जैसे कि ये देख रहे हैं। एक नोजल उसी पे लगी होती है, एक नोजल इसी के साथ निकलती है। तो गाइस एसएमडी वाली बात है वो इस टाइप की निकलती है। मैं इसको फटाफट से पहले इसकी पन्नी वगैरह सब हटा देता हूँ। तो गाइस मैंने इसकी पन्नी वगैरह हटा दिया, मैं आपको नोटिस करा देता हूँ पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर नोजल वाली बात है तो एक इसके अंदर इस टाइप की नोजल, एक किस टाइप की निकलती है, एक पतली नोजल है और एक थोड़ी सी मोटी नोजल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये रही इस टाइप की, तो इसके अंदर नोजल निकलती है। नोजल के बाद मैं आपको बता दूं जो डिटेलिंग है, ये जो हैंडल देख रहे हैं 857 DW+ जब आप एसएमडी खरीदेंगे तो इस टाइप का हैंडल इसके अंदर लगाया गया है जैसे कि उसमें होता है, वैसे ही उसी टाइप का हैंडल इसके अंदर भी यूज़ किया गया है। और ये ऑटो कट होती है, अगर इसको हम यहाँ रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसके बाद जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। ये जो है ये 5 वोल्ट आपको करंट देता है बैटरी पे झटका मारने के लिए, इससे करंट मिल जाता है, जो कि हमारी बैटरी अगर माइनस में होती है तो वो इससे दोबारा से ऑन हो जाती है। रही इसके टेम्परेचर वाली बात, मैं टेम्परेचर भी आपको चेक कराऊंगा। टेम्परेचर से पहले जो मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि ओपन करके दिखाएं, तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ओपन करने वाली बात है तो ओपन करने के लिए इसमें ये चीज़ें लगी होती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये आपको एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ये रहा ट्रांसफार्मर, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जैसे कि 857 DW+ के अंदर पंप होता है उसी टाइप का पंप इधर भी यूज़ किया गया है, लगभग वैसा ही पंप है। और उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं इधर मदरबोर्ड वाली बात है तो मदरबोर्ड इसके अंदर किस टाइप का यूज़ किया गया है वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो सोल्डरिंग करी गई है वायर के ऊपर, जो सोल्डरिंग करी गई है उसके ऊपर भी इन्होंने ग्लू गन लगाई हुई है जिससे कि कोई भी वायर ट्रेवलिंग के वक्त हिले और अपनी जगह से वो टूटे नहीं है, तो इसके अंदर वो चीज़ भी इन्होंने दी है। और उसको देने के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यूएसबी पॉइंट इसके अंदर अलग से दिया गया है, तो यूएसबी पॉइंट इसके अंदर अलग से दिया गया है जो कि आगे हमारा काम करता है। तो अब इसको टेम्परेचर वाली बात आती है, इसको एक बारी ऑन करके देख लेते हैं कि ये साइलेंट एसएमडी होती है या ये भी वाइब्रेट करती है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने इसको ऑन करी है, एसएमडी को ऑन किया है, अभी ऑन करने के बाद ये साइलेंट है, जैसे वो हमारी पहले वाली एसएमडी होती है आवाज़ करती है वैसे आवाज़ नहीं करती। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ इसको। इस टाइम पे जो ये एयर है मैंने 1 पे कर रखी है, हीटिंग है हमारी 100 के पे, जैसे ही हम हीटिंग उधर से ज़्यादा करेंगे तो इधर हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और जब ये सेम टेम्परेचर पर पहुँच जाती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा ऑफ हो जाता है। और ये कितने तक जाती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये इधर अगर करने वाली बात है तो ये 450 तक जाती है, मतलब 450 तक ये चली जाती है। तो इस एसएमडी के अंदर मैं आपको बता दूं, 2 मॉडल आते हैं इसके अंदर, एक विदाउट यूएसबी मॉडल आता है उसकी, इसकी जगह पर यहाँ पे ऑटो कट स्विच लगा होता है, अगर उसको ऑटो पे चलानी है ऑटो पे चल जाती है, अगर मैनुअल चलानी है तो वो मैनुअल चल जाती है, उसके अंदर ये फीचर होता है। इसके अंदर जो फीचर दिए गए, इसके अंदर यूएसबी फीचर दिए गए, इसके अंदर अगर हम अपनी बैटरी को कोई झटका वगैरह लगाना चाहते हैं तो 5 वोल्ट का हमें यहाँ से करंट मिल जाता है। तो ये तो था हमारा वो। और ये रही ऑटो कट वाली बात, क्या ये ऑटो कट होती है नहीं होती, चलिए यहाँ रख के देख लेते हैं। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर रखा और यहाँ देख रहे हैं जैसे कि मैं इसको टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा नहीं ले रही क्योंकि ये ऑटो कट एसएमडी है ये। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चल रही है,
तो ये जैसे ही एलिमेंट उसको पता चलेगा ठंडा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे ये ऑफ हो चुकी है, क्योंकि इसने देखा, इसने सेंस किया कि मैंने उसको वहाँ हैंडल को रखा है और उसने देखा कि हाँ ये नॉर्मल हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं इस हैंडल को वापस उठाऊंगा तो ये हमारी SMD ऑन हो जाएगी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं इसको वापस रखूँगा तो ये हमारी SMD ऑफ हो जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की SMD जो कि मैंने आपको दिखाया, ये MK टूल से आपको मिलने वाली है। दो मॉडल आते हैं, एक ऑटो कट, एक मैनुअल और ऑटो दोनों हो जाती है, और ये वाला जो मॉडल है ये USB वाला मॉडल है जिसमें कि हम USB लगा के अपना बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। और पंप वाली बात है, मैं आपको डिटेलिंग फिर बता दूं, इसके अंदर जो पंप दिया गया है वो 857 DW+ के अंदर जैसा पंप यूज़ होता है उस टाइप का पंप इसके अंदर यूज़ किया गया है। ये ट्रांसफार्मर दिया गया है और इधर एक मदरबोर्ड है जो कि पूरी SMD को ऑपरेट करता है। इसके अलावा अगर हैंडल वाली बात है तो ये हैंडल जैसे 857 DW+ के अंदर हैंडल आता है वही उसी टाइप का इसके अंदर हैंडल दिया गया है। और अगर नोब वाली बात है जो इसके अंदर नोजल आती है तो ये नोजल इसके साथ, दो नोजल इसके साथ ही मिलती है, एक ये नोजल आती है और पैकेट के अंदर एक नोजल एक्स्ट्रा निकली है। तो इसके अलावा अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहां जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।